नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, उनके लिए क्या अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं और क्या बुरी चीज़ें लेकर आने वाले, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों राशिफल शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, ये जो राशिफल है चंद्रमा की प्रेडिक्शन पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि विराजमान है या फिर आपकी नाम राशि मीन है तो राशिफल हम आपको समर्पित करते हैं। गोचर के ट्रांजिट पर होने के कारण कुछ गोचर के ट्रांजिट की डेट और टाइम आपको बता देते हैं जो मई के महीने में होने वाले हैं। मई के महीने में जो महत्वपूर्ण गोचर होने वाले हैं वो इस प्रकार है। 10 मई को बुध वक्री अवस्था में रहेंगे वृषभ राशि में, 13 मई को बुध अस्त हो जाएंगे वृषभ राशि में, 15 मई को सूर्य का गोचर होगा वृषभ राशि में, 17 मई को मंगलदेव गोचर करेंगे मीन राशि में और 23 मई को शुक्र का गोचर होगा मेष राशि में। यह महत्वपूर्ण गोचर मई के महीने के रहने वाला है। ये मीन राशि वाले आपके लिए क्या प्रभाव देंगे, आपको क्या अच्छे परिणाम देने वाला है, इस पर हम चर्चा करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो ये जो महीना है सुखद रहने वाला है, क्योंकि राशि का स्वामी खुद के राशि में विराजमान है, अच्छे परिणाम देगा, काम में सफलता मिलने वाली है, वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा, दफ्तर में पदोन्नति की संभावना, प्रमोशन मिलने के योग हमें 100% आपके दिखाई दे रहे हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति और शुक्र और मंगल की पूर्ण दृष्टि से कारोबारियों को भी बहुत अच्छा शानदार फायदा प्राप्त होगा और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उनका विवाह होगा, जिन लोगों को विद्यार्थियों को या प्रमोशन नहीं मिला है, विद्यार्थियों को नई एजुकेशन प्राप्त करनी है उनके भी शानदार फायदा होगा, जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है उनको भी संतान प्राप्ति के योग मिलेगा और भाग्योन्नति वाला समय है इस टाइम पर मीन राशि वालों आपके लिए रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है क्योंकि पंचम भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई पर और भी फोकस बढ़ेगा और जो वो काम करना चाहते हैं उन काम में वो सफलताएं प्राप्त करेंगे। वैसे देखा जाए तो हालांकि आपके द्वितीय भाव में राहु की उपस्थिति होने से परिवार में कुछ मनमुटाव की स्थितियां देखने को मिल सकती है, लेकिन वो छोटी होगी, इतनी बड़ी नहीं होगी। विवाद की वजह जो होगी वो कुछ हो सकता है कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाए, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव पर बृहस्पति मंगल और शुक्र की पूर्ण दृष्टि होने से विवाहित लोगों के समय जो है वो अच्छा रहेगा, विवाहित लोगों को अच्छा समय वैल्यूएबल टाइम इस टाइम पर अपने पार्टनर के साथ एक्सपेंस करने का टाइम मिलेगा। इस दौरान जीवन साथी का पूरा साथ और सहयोग आपको मिलेगा। वैसे देखा जाए तो आपके सेकंड हाउस में राहु होने से आर्थिक तौर पर कुछ नुकसान भी आपको दे सकता है, अचानक से कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं आपकी बढ़ सकती है और छठे भाव के स्वामी सूर्य के सेकंड हाउस में राहु के साथ रहने से मानसिक तनाव कुछ हो सकता है, डिप्रेशन की स्थिति आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको परिणाम अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। और स्वास्थ्य के लिए कहना चाहूंगा, पहला सुख निरोगी का है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य के लिए थोड़ी लापरवाही न बरते, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और डेली आप कोई जॉगिंग करें, डेली आप जो है जिम ज्वाइन कर सकते हैं या व्यायाम करें, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे तो आपके लिए समय जो है अच्छा आया हुआ है, लेकिन कुछ स्थितियां है जो आपके लिए परिणाम अच्छे नहीं लेकर आने वाली, लेकिन उनका उपाय संभव है। मैं जो उपाय बता रहा हूँ उन उपायों को अपने जीवन में उतारिएगा, आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रतिदिन जो है अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं, अगर कुंडली अलाउट करती है तो अपने इस इंडेक्स फिंगर में पुखराज धारण करें, 5 रत्ती का आपको शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। और बृहस्पतिवार के दिन आप जो है केले के वृक्ष की पूजा करें, यह भी आपको अच्छे परिणाम देखने को देगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उसे सुने, इससे आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक एनर्जी प्राप्त होगी, आप डिसीजन मेकिंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये कुछ उपाय है, आप मीन राशि वाले अपने जीवन में उतारिएगा, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि मीन राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।